गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछला ब्लॉग अभी बताया था कि लाइट नहीं आ रही है, मैं कपड़े धोने गई तो उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, मैं कपड़े नहीं धो रही थी और उस टाइम मैं ब्लॉग को एंड कर दी थी। और अभी आ गई है लाइट तो मैं फिर से ब्लॉग को स्टार्ट कर दी हूँ। और देखिए यहाँ पर एक राउंड के कपड़े मैंने इधर मशीन में लगा दिए हैं धोने को, और ये कुछ कपड़े और हैं और इधर भी हैं, तो ये सारे कपड़े भी मुझे धोने। और अभी 5:45 का टाइम हो गया है, 5:45 हो रहे हैं और लाइट आ गई, तो मैं सोची कि कपड़े धो ही लेती हूँ और खाना भी साथ के साथ बनाती रहूँगी। तो आलू बॉयल करके रखा हुआ है मैंने, बस मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आलू बॉयल करके रख लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसके पराठे बनाने। तो मैंने एक राउंड के कपड़े लगा दिए, खा लो। तो मैं सोची कि जब तक कपड़े धुलते रहेंगे इधर खाना भी बनते रहेगा, तो पढ़ाई करोगे तो दोनों काम होता रहेगा। ये है तो आपकी पाई नोटबुक, तो आयांश को करनी है पढ़ाई इधर, ये देखिए अब वो पढ़ाई करेगा। तो मैं सोची कि जब तक मैं खाना बनाऊंगी उतने देर में चलो कपड़े भी धुल ही जाएंगे, कहीं क्या पता कहीं फिर कल सुबह से लाइट नहीं आए। और रात को धो लेती हूँ, मतलब शाम के टाइम धुल जाते हैं तो मैं सुबह निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि सुबह से जो उगती हुई धूप आती है उसी टाइम से कपड़ों में लगने लगती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि कपड़े धोते धोते 10-11 बज जाते हैं तो आधी धूप तो वैसे ही निकल जाती है। क्या हुआ, गीला हो गया? चलो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस ने कर दी है शुशु, तो अभी मैं जा रही हूँ सब साफ करने, पैंट वेंट चेंज करने। तो मिलती हूँ आप लोगों से ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, चलिए इन्जॉय करते रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कपड़े लगा दी हूँ मशीन में धोने के लिए, और उतने देर में मैं आ गई थी यहाँ पे आलू के पराठे बनाने, और बीच बीच में देख के आ जा रही थी मैं, क्योंकि जितने देर में मैंने पूरे पराठे बनाए उतने में 2 राउंड के कपड़े धुल गए थे। तो बीच में मैं जाके और ड्रायर में डाल के और आ गई थी, और बाकी के कपड़े धोने के लिए भी डाल दी थी। तो अभी यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ, तो बाबू पराठा मांग रहा था तो वही मैं आधा टुकड़ा तोड़ के और प्लेट में रख के फूंकने के लिए रख दी हूँ, ठंडा होने के लिए फूंक के, कि ठंडा हो जाए तब मैं बाबू को दे दूंगी, तो वो इसमें उलझा हुआ रहेगा तो मैं फटाफट से अपने काम कर लूँगी। और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, और जिस दिन ज़्यादा ठंडी हो ना उस दिन ऐसा मन करता है आलू के पराठे वगैरह यही सब खाने के लिए। तो आलू बॉयल करके मैं दिन में ही रखी थी सब्जी बनाने के लिए, पर मैं सब्जी बनाई नहीं तो मैं उसके आलू के पराठे बना दी हूँ यहाँ पर। और बाबू यहीं पर खड़ा रहता, मैं जितने देर किचन में रहती हूँ ना बाबू यहीं रहता है, वो जाता ही नहीं है। तो अभी उसके पराठे बन गए हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बना के रख दिया है, और अब मैं इसको डाल देती हूँ कैस्ट्रोल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको, और उसके बाद चलिए आप लोगों को पहले दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धो लिए हैं। पराठे बनाते बनाते मेरे 2 राउंड के कपड़े पूरे धुल गए, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। इधर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, और इधर देखिए कपड़े ही कपड़े हैं। तो इधर मैंने पूरे कपड़े सुखा दिए हैं, ये पूरी बालकनी भर गई मेरी। और उसके बाद अभी मैंने लगाए हैं थोड़े से कपड़े, ड्रायर में डाले हैं अभी, यहाँ पे देखिए ड्राई हो रहा है कपड़ा, और थोड़े से इसमें हैं अभी ड्राई करने को, और ये हैं अभी धोने के लिए जिनको, ये लास्ट राउंड है। इसमें सारे जैकेट्स स्वेटर्स वगैरह ये सारे हैं सबके, तो ये सब अभी मैं धोऊँगी। तो चलिए अब जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं मैं यहाँ पर पराठे कैस्ट्रोल में, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं कपड़े वगैरह दूसरा लगा के आ गई और भी जो धोने थे, और यहाँ पे आके मैं आ गई हूँ किचन साफ करने के लिए। फिर से आ गई आप लोगों के सामने, और अभी टाइम हो गया है, देखिए आप लोग बज रहे हैं 8:15, और अभी भी मेरे कपड़े नहीं धुले हैं, मैं अभी भी कपड़े धो रही हूँ। खाना तो बन गया और पूरी किचन मैंने अच्छे से देखिए क्लीन कर दी है, पूरा किचन क्लीन हो गया, बर्तन वगैरह सब धो दी हूँ और कपड़े धुल गए। बस ये लास्ट राउंड था जिसे अब मैं खंगालूँगी और ड्राई करूँगी, यहाँ पे मैं लगा दी हूँ। तो ये लास्ट राउंड है, धुल गए हैं, बस अब मुझे ड्रायर करना है इसको। तो अब मुझे बेडशीट वगैरह पर्दे वगैरह सब कुछ धुलना है, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, तो थोड़ी सी मैं सोची न्यू ईयर के लिए साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो चद्दर और पर्दे वगैरह सब धोने थे, पर आज बहुत टाइम हो गया, आप लोग जैसे कि अभी देखें कि 8:15 हो गया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब बेडशीट वगैरह धोऊंगी तो 9:30 हो जाएगा, इसलिए मैं अब रहने देती हूँ, क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पूरे हाथ पर एकदम बर्फ जैसे ठंडे ठंडे हो गए, क्योंकि मैंने जुराब भी नहीं पहना हुआ है अभी, कपड़े धोने की वजह से पानी पानी का हो जाता है इसीलिए। तो अब मैं बाकी के जो भी काम है बेडशीट वगैरह ये सब मैं कल धोऊंगी, तो तब तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। गुड मॉर्निंग, और अभी हो गया है नेक्स्ट डे और आज है संडे, और मैं अभी काफ़ी देर हो गया है मुझे उठे हुए, अभी लगभग टाइम हो गया है 8 बज गया है,
और मेरा आधा से ज़्यादा काम हो गया है, मतलब कि जैसे मैंने खाना बना लिया है, नाश्ता खाना और बर्तन वगैरह, बर्तन धो के किचन वगैरह सब कुछ मेरा क्लीन हो गया है एकदम। और अब मैं सोची थी कि कल मैंने बेडशीट वगैरह नहीं चेंज किया था, तो मैं सोची आज अभी बेडशीट चेंज करके उसको धोने में लगा देती हूँ, फिर झाड़ पोछा करके नहाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट निकाल दिया है और अब मैं ये वाली बेडशीट बिछाने वाली हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ इसे बिछा देने और उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ, दोनों रूम का ही करूँगी, तो पहले मैं इसी रूम का कर लेती हूँ। और रात को मैंने बालों में ऑयलिंग की थी क्योंकि मुझे शैम्पू करना है सुबह, तो मैं सोची रात को ऑयल लगा लेती हूँ बालों में थोड़ा सा, तो शैम्पू करो तो बाल सही रहते हैं, एक तो ऐसे ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। माय चैनल कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हमारा काम धाम शुरू हुआ है और ये आयुषी अभी ये सब सोफ़ा वोफा का कवर सब ठीक कर रही है। मैं इसको बोली कि तुम ये सब ठीक कर दो, तो मैं बिस्तर वगैरह सब साफ करके और झाड़ू लगा दूंगी। और इसकी भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो ये भी घर पे है, तो परसों से इसके स्कूल खुल जाएंगे, तो इसको भी मैं बोली थोड़ा सा कर देगी हेल्प। और इधर मैंने खाना चढ़ाया हुआ है, दाल भी अब बनी गई है, गैस को ऑफ कर देती हूँ। और इधर मैं दूध बॉयल कर रही हूँ और नाश्ता वास्ता हम लोग कर लिए। ये हेलो कर रहा है, हेलो, नहीं अभी चेंज करूँगी अब मैं। और इसको जा रही हूँ अभी मैं मालिश करूँगी, पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ, घर थोड़ा सा साफ हो जाए। और आज पोछा नहीं लगाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। वैसे तो मैं रोज़ ही पोछा लगाती हूँ, बीच में कभी कभी एक दो दिन गैप कर देती हूँ जब कभी मन नहीं करता है, आलस आ जाता है, या फिर जिस दिन ज़्यादा ही ठंडी होती है तो उस दिन को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गया है। और आज ना मुझे लेट हो गया क्योंकि आज पता नहीं क्यों नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी ना कि मैं सोई रह गई 8 बजे तक, और मैं 8 बजे जगी हूँ। तो उसके बाद फटाफट मैंने नाश्ता खाना ये सब बनाया, हम लोग नाश्ता किए, बर्तन वगैरह धोए, किचन की सफाई की, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बस अभी मैंने इस वाले बेडरूम में झाड़ू लगाया, अब उधर जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने, तब तक इधर आयुषी ये सारा काम मेरा कर दी है, ये सब ठीक कर दिया, तो मैं आऊँगी तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करते रहिए और चलते हैं झाड़ू लगाने। इस रूम का मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ झाड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है, देखिए इस रूम में मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी वो रूम का बेड वगैरह ठीक करना है, बेडशीट अभी ठीक करना है, ये पूरा फैला हुआ है, इसमें बच्चे सो रहे हैं, तो अभी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये है तीसरे दिन का क्लिप, मैं तीन दिन का मिला के ये ब्लॉग पूरा की हूँ, 30, 31 और ये आज 2 तारीख का ब्लॉग है, और तीन दिन का मिला के थोड़ा थोड़ा सा करके और तब मैं एक ब्लॉग को तैयार की हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती थी फिर मुझे समझ में ही नहीं आता था, कभी कभी मैं भूल जाती थी। तो इस तरह से तीन दिन का मिला जुला ब्लॉग है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं नहा धो के और यहाँ पे आयुषी पढ़ाई कर रही थी, बाबू दूध पी रहा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठी थी आराम करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ दोपहर में खाने का टाइम हो गया, तो मैं दाल चावल और बनाई थी मैं मिक्स सब्ज़ी, आलू गोभी मटर और गाजर ये सब मिक्स करके, तो यहाँ पे अभी मैं वही खाना निकाल रही हूँ। और अभी हम लोग तीनों माँ बेटी और बाबू हम तीनों बैठ के खाना खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को दिखा रही थी कि मैं दाल चावल और मिक्स सब्ज़ी बनाई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बैठ के खाने के लिए। गरम गरम दाल चावल बहुत ही अच्छा लगता है, और बाबू को भी मैं खिला रही हूँ, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं साथ में ही लेके बैठ गई, नहीं तो मैं पहले बाबू को खिला देती हूँ और उसके बाद मैं खाती हूँ। तो अभी मैं साथ में लेके बैठी थी, उसको भी खिलाती जा रही थी और मैं भी खाती जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स यहीं तक आज का ये ब्लॉग है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।